पात्र बंटी पिंकी तितली माली। मंच के एक कोने में फूलों के चार गमले रखे हैं। एक ओर से बंटी और पिंकी का प्रवेश, दूसरी ओर से तितली का प्रवेश। बंटी देख तितली। बंटी देखता है। चल उसे पकड़ते हैं। चल। दोनों तितली पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तितली पकड़ में नहीं आती और उड़कर गायब हो जाती है। बंटी देख कितनी सुंदर फूल है, चल इन्हें तोड़ते हैं। चल। बंटी फूल तोड़ता है तो पौधा ही उखड़ जाता है। पिंकी चल पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेलते हैं। चल। दोनों तीन गमलों के पौधे उखाड़ डालते हैं। माली का प्रवेश। अरे अरे तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। पौधे उखाड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजे की बात जरूर है। फिर पौधे उखाड़ने लगता है। अरे अरे बस करो। हाय मैं तो थक गई। मुझे तो भूख लगने लगी है। मुझे भी। मेरे पास सब्जी रोटी है, तुम भी खाओगे? हाँ। माली जाकर खाने का डिब्बा ले आता है। दोनों खाने लगते हैं। धन्यवाद चाचा। दोनों खाते हैं। माली चाचा सब्जी बहुत अच्छी बनी है। तुम यह बता सकते हो कि यह सब्जी कहाँ से आई? आपके घर से। और मेरे घर पर कहाँ से आई? सब्जी की दुकान से। और सब्जी की दुकान पर कहाँ से आई? सब्जी मंडी से। और सब्जी मंडी में कहाँ से आई? खेत से। और खेत में कहाँ से आई? हमें क्या पता, हमने सूचना का दफ्तर खोल रखा है या सब्जी का। मैं बताता हूँ, खेत में सब्जी लगती है पौधों पर और तुम दोनों पौधे उखाड़ रहे थे, यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन हम सब्जी के पौधे नहीं उखाड़ रहे थे, हम तो फूल के पौधे उखाड़ रहे थे और हम फूल थोड़े ही खाते हैं। तुम नहीं खाते लेकिन कोई और तो इनसे खाना खाता है। कौन? आप। नहीं मैं नहीं, लेकिन यह तितली, यह मधुमक्खी, ये तो फूलों का रस पीती हैं। कई फूलों से तो दवाइयां भी बनती हैं। अच्छा तुमको पता है ये फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीजें देते हैं? खुशबू, छाया, लकड़ी। हाँ ये तो देते ही हैं। एक जरूरी चीज और देते हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सोचते हैं। हमें नहीं पता। दोनों अपनी अपनी नाक बंद करो और मुंह भी। दोनों नाक और मुंह बंद करते हैं पर तुरंत घबराकर हाथ हटा लेते हैं। हाय मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी, मेरा तो दम ही घुट गया। हाँ यह जो तुम्हें सांस नहीं आ रही थी और तुम्हारा दम घुट रहा था, यह ऑक्सीजन न मिलने के कारण था। ऑक्सीजन? हाँ और यह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ पौधों से? हाँ। इसका मतलब अगर पेड़ पौधे न हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तब तो हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। हाँ बच्चों, हम जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन है और जो सांस हम छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये पेड़ पौधे अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद पी जाते हैं और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन भी देते हैं, खाना भी देते हैं। यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब हम कभी भी पेड़ पौधे नहीं उखाड़ेंगे। शाबाश, बल्कि जहाँ भी खाली जमीन देखो वहाँ पौधे लगा दो। माली चाचा मेरे आंगन में थोड़ी सी जगह है, मैं वहाँ आम के गुठली बो दूंगी, फिर वह एक दिन आम का पेड़ बन जाएगी। इन मेरे घर में तो आंगन ही नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बालकनी है। बंटी पर तेरे पास एक जगह तो खाली है, बिल्कुल खाली। कौन सी? चिढ़ाते हुए। तेरा दिमाग, वह तो बिल्कुल खाली है, वहाँ एक अकल का पौधा लगा ले। हंसती हुई भागती है। ठहर मैं अभी तुझे बताता हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है,
अकल का पौधा लगा लूं। ठहर तो। पिंकी और बंटी का मंच से प्रस्थान।